फ्रेंड्स, मैं वो आपका दोस्त, आपका होस्ट उसामा। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आज एक बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो है काले चने। उनका सालन बनाऊंगा। कहने को काले चने हैं, लेकिन खाने में गोश्त से भी पड़कर बनते हैं, तो इनको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इनमें देखते हैं आप क्या क्या अज्जा जाते हैं, तो वो अज्जा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं काले चने। इनको ओवरनाइट हमने भिगो दिया था पानी में। ये आधा किलो है, ये जाएंगे। इसके साथ हमने लिया है प्याज और टमाटर। ये तीन प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, और तीन ही टमाटर हैं, इसको मैंने काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन दो चम्मच बनते हैं, इसको पीस लिया हमने बराबर लेके। हल्दी पाउडर है एक चम्मच, नमक हसबे जायका वैसे ये एक चम्मच है, और एक चम्मच ही सुरख मिर्च ली है, ये भी हसबे जायका, ये हसबे बर्दाश्त आप इसमें डाल सकते हैं। और ये कुछ बाकी चीज़ें हैं, धनिया जाएगा गार्निशिंग में, हरी मिर्चें जाएंगी जब हम इसको भुनाई करेंगे, और पुदीना और प्याज और टमाटर वगैरह, ये हम जब इसकी बेहतरीन सी चटनी बनाएंगे साथ इसके, तो उसमें चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे बनती हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं चने। एक प्रेशर कुकर लेना है, उसमें हम डालेंगे चने। आधा किलो चने चले गए और बाकी अज्जा इसमें चले जाएँगे। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया इसमें, सुरख मिर्चियाँ चली गई, नमक डाल देंगे, हल्दी डल जाएगी, और टमाटर प्याज ये भी चले जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसको हमने प्रेशर लगाना है 10 मिनट के लिए। इसमें तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी चला जाएगा, इसको बॉयल करने के लिए काफ़ी है। तो इसको अब हम प्रेशर का ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। लेकिन आप चने हमारे जो हमने प्रेशर कुकर में रखे थे भूनने के बॉयल होने के लिए, तो अब वो बॉयल हो गए हैं, हमने देसी में कन्वर्ट कर दिया, तो पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है। तो अब इसमें हम डालेंगे घी, डालेंगे भुनाई करनी है इसकी अच्छी सी, तो घी डाल देंगे तकरीबन 2-3 चम्मच घी के, इसमें 150 ग्राम के करीब घी चला जाएगा इसमें। इसकी चनों की बुनाई हो रही है, अब इसमें थोड़ी सी हम 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, इसकी बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आती है इसके अंदर। और इसको हमने तब तक भुना है जब तक ये चने घी ना छोड़ दें और मसाला यकजान हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, 2-3-4 तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब इसमें हमने दही ऐड किया है। व्यूवर्स, चने की बुनाई हो गई है, अब देखिए इसने घी छोड़ दिया, घी की चमक नज़र आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें पानी डाल देंगे जितनी हमने इसकी ग्रेवी लगानी है। ये तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाला है मैंने, अब ये पकेगा। अब इसमें हमने एंड पे सिर्फ मसाला डालना है, और मसाला क्या डालेगा वो भी आपको बता दूंगा मैं, तो जब तैयार होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। जब तक हांडी तैयार हो रही है उसमें पानी डाल दिया, तो उस वक्त तक हम एक बेहतरीन सी चटनी बनाते हैं, बहुत मज़े की चटनी बनती है ये। रोटी के साथ, चावलों के साथ आप इसको नोश फरमा सकते हैं, खाने का मज़ा दुबाला कर देगी। उसके लिए हमने लिए हैं एक टमाटर लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया है, और ये पुदीना है इसके पत्ते लिए हैं हमने, और धनिया है उसके भी पत्ते लिए हैं, ठीक है। और उसमें प्याज है थोड़ा सा जाएगा, और 4-5 इसके तकरीबन 4 के करीब हैं क्लोव्स लहसुन के हैं, और एक हरी मिर्च ली है। इसको हम अब जग में डाल के इसको अच्छा सा ग्राइंड करना है।
इसमें तकरीबन दो चुटकी के करीब ज़ीरा चला जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी इतना डालना कि बस ये चक चल जाए और इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। सालन के लिए गरम मसाला तैयार करने लगे, उसमें ज़ीरा जाएगा, लौंग जाएंगे और थोड़ी सी दालचीनी जाएगी। अब इसको पीस के हम उसमें डालेंगे। सालन तैयार हो गया हुआ है, गरम मसाला चला जाएगा इसमें। इसमें हरा धनिया कटा हुआ, लानत खुदा दिए देते हुए, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा। ये जनाब चने हमारे तैयार हो गए हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और जो लुक आई है आप देख सकते हैं कि कैसे ये बेहतरीन सा इनका टेक्सचर बना है और ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार बने हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाइएगा ताकि आपको वही टेस्ट आए जो हम चाह रहे हैं कि आपको मिले। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ले जनाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से और यमी से चने तैयार हो गए हुए हैं। हमने बहुत मेहनत की है इस पर और ये बहुत मज़े के बनते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको रोटी के साथ खाएं, मैं भी आपको खा के बताता हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं और साथ में ये ग्रीन सॉस जो हमने बनाई है ये बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है इसके साथ। ये आप साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और साथ में सलाद हो और घर की बनी हुई रोटी हो तो खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा।